हेलो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाले वीडियोस में इफेक्टिव स्ट्रेसेस, टोटल स्ट्रेसेस और पोर वाटर प्रेशर के अलग अलग केसेस देखे थे और उन्हीं केसेस पे बेस्ड अभी तक गेट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, अब चलिए उनको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूंगा, स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द इजीएस्ट क्वेश्चन और फिर धीरे 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 हम लोग क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। सो चलिए, आई होप शायद आप सभी तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए। स्टार्ट करता हूं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं ले रहा हूं फ्रॉम गेट 19 एंड 99। सो क्वेश्चन बहुत पुराना है, गेट 99 का सवाल है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें बोल रहा है दैट अ रिवर 5 मीटर डीप कंसिस्ट ऑफ अ सैंड बेड विद सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ 20 kN/m³। मुझे यहां पर गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है एज 20 kN/m³। अच्छा, फिर आगे बोल रहा है कि 5 मीटर की रिवर की डेप्थ है और पूछ रहा है द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट 5 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द सैंड बेड इज। तो देखिए, मुझे यहां पर एक रिवर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं सॉइल प्रोफाइल। पक्की बात है, अगर रिवर है तो जो सॉइल होगी वो सबमर्ज्ड होगी। ऊपर के 5 मीटर डेप्थ तो बोल रहा है वाटर की है और उसके बाद यहां से सैंड बेड स्टार्ट होती है और यहां से 5 मीटर नीचे वो मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रहा है। सो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, समझ में आ जाता है, आप सॉइल प्रोफाइल इजीली बना सकते हो। लेकिन अगर मैं यहां पर इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहूं, वैसे तो खैर बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस केसेस स्टडी करे होंगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को सॉल्व करना इजी करने के लिए टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर तीनों का ही डायग्राम बनाकर दे देता हूं। देखिए, यहां पर जो पर्टिकुलर सॉइल है दिख रहा है कि इधर तो पानी भरा हुआ है और अगर इधर पानी भरा है तो ये पक्की बात है कि जब मैं टोटल स्ट्रेस देखूंगा तो उसमें ये पक्की बात है कि ये वाटर का वेट जरूर एक्ट करेगा ऑन द सॉइल। और वाटर का वेट अगर सॉइल पे एक्ट कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां टॉप पे तो जरूर जीरो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द वाटर यहां पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और वाटर का वेट इंक्रीज होता है एट अ रेट ऑफ गामा डब्ल्यू, इसीलिए यहां तक आते आते हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू जितनी भी डेप्थ नीचे आए है दैट इज 5। इसके बाद ये पक्की बात है कि अगर मैं इस सॉइल में चेक करता हूं तो ये वाली सॉइल या ये वाले वाटर का वेट तो कांस्टेंट रहेगा ही, बल्कि मैं जितना ज्यादा नीचे जाऊंगा यहां से उतना ज्यादा वो वाले कॉलम का वेट इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज लीनियर होगा। और अगर ये वाली सॉइल में सारे के सारे वॉइड्स में पानी भरा है तो मैं टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए मान लूंगा कि भाई ये वाला वेट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इस सॉइल का वेट इंक्रीज होगा क्योंकि सॉइल के सारे वॉइड्स में पानी भरा हुआ है। मैं बोल सकता हूं दैट द सैचुरेटेड यूनिट वेट विल इंक्रीज द वेट ऑफ द सॉइल एंड हेंस गामा सैचुरेटेड, क्योंकि 5 मीटर नीचे जा रहा हूं यहां से, इंटू 5 का और इंक्रीज देखने को मिलेगा जबकि पहले से वैल्यू थी गामा डब्ल्यू इंटू 5। तो कुछ इस तरह का केस बन जाता है हम लोगों का। सबमर्ज्ड सॉइल का केस हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। ये था टोटल स्ट्रेस का डायग्राम, बट अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम चेक करूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम क्या बनेगा, यहां पर ध्यान रखेंगे पहले के 5 मीटर में जहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी है रिवर के अंदर, क्योंकि सॉलिड्स नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि ये वाटर में तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि सॉलिड्स पर लगने वाला प्रेशर होता था वो जीरो रहेगा। दैट मींस इफेक्टिव स्ट्रेस विल रिमेन जीरो टिल दिस पॉइंट। और इसके बाद मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा, ये हम लोग जानते हैं कि वाटर टेबल के नीचे जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो गामा सबमर्ज्ड से इंक्रीज होता है। 5 मीटर नीचे जा रहे हो तो इंटू 5 कर देंगे हम लोग। बट अगर मैं इफेक्ट यहां पर पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, मैं वाटर के बारे में ऑलरेडी जानता हूं दैट वाटर कैरीज इट्स ओन सेल्फ वेट। और अगर वाटर खुद का सेल्फ वेट कैरी करता है, सेल्फ वेट उसका इंक्रीज हो रहा है बाय अ रेट ऑफ गामा डब्ल्यू, टॉप पे तो रहेगा वैल्यू जीरो, लेकिन जैसे जैसे मैं यहां से नीचे जाऊंगा वैसे वैसे गामा डब्ल्यू के रेट से जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है, सॉरी जो पोर वाटर है प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू टोटल डेप्थ इज 10।
10 मीटर। सो कुछ इस तरह के तीनों डायग्राम्स बन जाते हैं हमारे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर मेरे को यहां पर सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू लिख सकता हूं एज गामा सबमर्ज्ड इनटू 5 एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी, गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू निकालनी है 20 इज द गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू दैट इज 9.81 इनटू 5 करूंगा मैं तो यहां से इजीली मेरे को वैल्यू मिल जाएगी एज 10.19 into 5 that will be equals to around 51 kilonewton per meter square will be the effective stress at this particular level. So इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी सा सवाल था जो आप लोगों गेट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हम लोग कुछ और भी अच्छे सवाल लेते हैं।